अच्छा स्टाइल है, अब जिस स्टाइल से आया ना उसी स्टाइल से वापस भी चला जा, वरना माँ कसम इतनी मार मारेंगे तुझे तेरी मम्मी याद आ जाएगी। समझा क्या? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। पकड़ इसे, ये ऐसे नहीं मानने वाला। पकड़, मैं बताता हूँ उसको। ए, किधर गए तू? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। होशियार समझता ना अपने आपको। चल बे, साथ में मारते हैं इसको। तेरा खेल अभी खत्म करते हैं। खत्म तू आज। बालवीर, इसके पास तो तुम्हारे जैसे पावर्स भी हैं। हाँ, अरे मेरी तरह अच्छा काम भी कर रहा है। हाँ? माफ कर दूंगा, लेकिन पहले डोनेशन बॉक्स सर को दे दो। मुझे सुपर हीरो एम से मिलना ही होगा। सुपर हीरो एम? हाँ रानी परी, उस बच्चे के पास भी बिल्कुल मेरे जैसी ही शक्तियाँ हैं, और अच्छी बात तो ये है कि वो भी बच्चों की मदद ही करता है। लेकिन बालवीर, बात ये है कि उस बच्चे के पास वो शक्तियाँ आई कहाँ से, क्योंकि हम परियों के अलावा और किसी के पास ऐसी जादुई शक्तियाँ नहीं है जो बुराई से लड़ने के लिए किसी का निर्माण कर सके। पहले महाविनाशनी का विद्यालय में किसी से मिलना, और अब सुपर हीरो एम का बच्चों की इस तरह मदद करने आना, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? लेकिन जब तक वो बुराई के खिलाफ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बालवीर। बालवीर, हम ये नहीं जानते कि ये बच्चा कौन है और इस बच्चे के पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से। देखिए बालवीर, सब आपकी तरह शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा बनना इस बच्चे का कोई षड्यंत्र हो, और ये भी हो सकता है कि ये बच्चा जाने अनजाने में दूसरे बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दे। ठीक है रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ गया। मैं पृथ्वी लोक पर जाकर सुपर हीरो एम के बारे में पता करूंगा कि आखिर वो है कौन, आखिर वो आया कहां से, और उसका मकसद क्या है। ठीक है बालवीर, जाइए। अरे चोर चिंटू, मैं इस गुलेल तक के ही रहूंगा। नहीं बुलवा, तो मैं आपको ऐसा करने नहीं देगा। अरे क्या करने नहीं देगा, ये मेरी दुश्मन है, मैं इसे फेंक ही दूंगा। एकदम फालतू गुलेल है। फालतू ये नहीं, फालतू आप है बॉस। हाँ सॉरी सॉरी, मतलब इस जादुई गुलेल को फालतू कहना मतलब नाचना जाने आंगन टेढ़ा। नहीं, 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 मतलब बोल, मतलब बॉस कि पहले आप इस जादुई गुलेल को ठीक से यूज करना तो सीख लो, बाद में इसे फालतू कहना। सही कहा बॉस, मैं अभी आपको दिखाता है कि ये कितना कीमती चीज है। अगर मैं इसका सही इस्तेमाल कर पाया तो आपको भी इसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मंजूर? ठीक है मंजूर, ले ले। मुंडू बॉस, अब देखो कैसे वो लड़का मुझे अपने हाथों से चॉकलेट खिलाएगा। बॉस थोड़ा पलटो। ये पकड़ो, मैं भी चॉकलेट खा के आता है।
खाए चट्टू? अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं खाएगा, तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ले खा। एक काम कर, तू पूरा ही खा ले। अच्छा देखा मुंडू बॉस, है ना कमाल की चीज। हाँ बहुत कमाल की है, थोड़ी सी देना। जादुई गुलेल। हाँ ये गुलेल तो सच्ची में कमाल की है। अब देखना मैं इस गुलेल की मदद से क्या क्या खाता हूँ। आखिर ये सुपर हीरो है कौन? वो जो कोई भी हो, लेकिन उसने हम सबकी हेल्प की थी। हाँ और उसकी फाइटिंग स्टाइल देखी, वाह जबरदस्त। और उसने चोरों की भी बैंड बजाई थी। हाँ सुपर हीरो एम अब हम सब बच्चों का फेवरेट हो गया है। हाँ हाँ वो फेवरेट तो हो गया, लेकिन फेवरेट नंबर टू, फेवरेट नंबर वन हमेशा मेरे लिए बालवीर ही है और कोई नहीं। मैं यहाँ पे भी सेकंड हूँ, वो भी बालवीर की वजह से। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे पास तो जादुई शक्तियां हैं, मैं बालवीर से बड़ा बन सकता हूँ। सही कहा तुमने माला, तुम बालवीर से बड़े बनोगे, माँ विनाशिनी तुम्हें बड़ा बनाएगी। रोहित वो देख। अरे वो क्या देख बॉस, आपको याद नहीं है सुबह इसमें कैसे सांड की तरह धुलाई की थी आपकी? उसी धुलाई का मैं अभी बदला लेने वाला हूँ। मैं इसका टिफिन सांड के जैसे खा जाऊंगा। ए पेंसिल पेपर दे। अंकल अपने हाथों से मुझे उनका टिफिन पूरा खिलाए। तो हेलो अंकल, लो बेटा मेरा टिफिन खा लो। इतना बड़ा टिफिन तो किला किला के मार डालेगा। अंकल मेरा आज उपवास है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें तो खाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं अंकल देखा, रुको मैं आपको आगे चलने नहीं देगा। हाँ। हाँ। अरे हटो। Woo!
उसको भूख लगी है, खाना खा लेने दो। नहीं नहीं अंकल, मुझे कुछ भूख भूख नहीं लगी है, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तुमको टिफिन खिलाऊंगा। अरे अंकल नहीं, कुछ खाना, मेरी बात को समझे, मुझे जाने दीजिए। अरे अंकल मेरी बात समझे, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ भूख भूख नहीं लगी है, मेरा पेट फूल है, मैं जा रहा हूँ। अरे कितनी रोटी है अंकल? अंकल बॉस, बताओ मुझे कौन हो तुम? मैं सच्चाई का रक्षक हूँ और बुराई का दुश्मन, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस फर्क इतना है कि तुम BBB हो और मैं BBM हूँ, बच्चों को बचाने वाला सुपर हीरो M। तो मुझे ये बताओ, ये शक्तियाँ तुम्हें किसने दी? पर एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में तुम किसी से भी, यहाँ तक कि बालवीर से भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ऐसा किया तुमने तो ये जादुई डंड तुमसे दूर हो जाए। लगता है बालवीर बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। क्यों बताऊँ? क्या तुमने कभी किसी को बताया कि तुम्हें ये शक्तियाँ कहाँ से मिली? और मेरे बारे में जानने से बेटर ये होगा कि तुम मेरे अच्छे काम देखो। मैं बच्चों का दोस्त हूँ और सच्चाई का रक्षक भी। देखो तुम मुझे अपनी बातों में मत उलझा, सच सच बताओ कि तुम्हें शक्तियाँ कहाँ से मिली है। तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, कि तुम्हारे सिवाय दूसरा भी कोई आ गया जिससे बच्चे प्यार कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो तुम सही सोच रहे हो, मैं हूँ बच्चों का नया रक्षक, सुपर हीरो M, सुपर हीरो M। वाह माला, क्या जवाब दिया है। कल तक जो बच्चा बालवीर की प्रशंसा करता था, आज बालवीर से सवाल जवाब कर रहा है। सही कहा है किसी, शक्तिहीन के पास शक्तियां आ जाए तो उसके रंग ढंग बदल जाते हैं। बच्चों की नजर में चाहे तुम जो भी हो, लेकिन मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते। अगर बालवीर को मानव का सच पता चल गया तो मेरा सारा दांव उल्टा पड़ जाएगा। मुझे किसी भी तरह बालवीर को रोकना होगा। यहाँ क्या कर रही है? इस सब के पीछे अविनाश की कोई चाल तो नहीं है? तुम सच्चाई को इतनी आसानी से नहीं जान पाओगे बालवीर।
मुझे सच का पता लगाना ही होगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। क्या खेल रहे हो राखी चाचू? टिक टिक टिक। मानो ये देखो, मैं गुड़िया को ऐसे घोड़ा घोड़ा खिला रहा हूँ। ये देखो, अभी हम लोग खूब दूर जाएंगे। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। कमाल है बाबूजी, इतना महंगा टी सेट आपने इतने सालों तक बेड में छिपा के रखा। संभाल के बेटा, संभाल के। ये टी सेट है ना, तुम्हारे दादाजी ने मेरी शादी पे गिफ्ट किया था। ओ क्या बात है बाबूजी, आप फिकर मत कीजिए, मैं गिर जाऊंगा लेकिन टी सेट को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे अरे वाह वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तुम हो कौन? सुपर हीरो एम। सुपर हीरो एम? अच्छा, स्कूल में जिसने बच्चों की मदद की थी वो ही ना? मेहर ने जैसे बताया था तुम हूबहू वैसे ही हो। थैंक यू। हां थैंक यू सुपर हीरो। मुझे खुशी है कि मैं आप सबकी मदद कर सका। अरे अरे वाह, हमारे घर में सुपर हीरो एम आया। मैं पता है, हमारे घर में सुपर हीरो एम आया। अरे अरे अरे, क्यों इतना राउट कर रहे हो? राउट नहीं माँ, शाउट। वही सेम टू सेम। क्या हुआ? हमारे घर में सुपर हीरो एम आया था। क्या? हाँ तो उसने ये टी सेट गिरने से बचाया। क्या स्फूर्ति है उसके अंदर, और रफ्तार बिजली से भी ज्यादा। हाँ, अब बच्चों की रक्षा के लिए बालवीर के साथ और एक सुपर हीरो आ गया है। इसे कहते हैं एक से भले दो। तो बोलो बालवीर और सुपर हीरो एम की जय हो। लेकिन दादाजी, हमें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो बालवीर की तरह जिम्मेदारी से अपना काम करता है या नहीं। ओए बल्लू लल्लू, ये तो क्या कह रहा है? आखिर तुम जानते क्या उसके बारे में? अरे मानो, मैं तो बस यही कहना चाहता था कि बस। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। और सुपर हीरो में कोई बुराई नहीं है, उसने बच्चों को बचाया है, उनकी मदद की है। बालवीर को और हमें बिना शक के उसका वेलकम करना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है वो बालवीर से बेटर हो। मानव, तू तो ऐसे एग्रेसिव हो रहा जैसे तू खुद ही सुपर हीरो एम है। हाँ पापा, मानवी सुपर हीरो एम है। हाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.